हमारे साथ आशीष रंजन है बिहार से, और बिहार में अभी बहुत सारे अटैक्स हुए, पिछले एक महीने में करीबन 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, और उनमें से कई केसेस में आशीष ने जाके फैक्ट फाइंडिंग करी कि क्यों आरटीआई यूजर्स को मारा जा रहा है। तो आशीष, अगर आप हमें थोड़ा बताएंगे जो रीसेंट केसेस हैं उनके बारे में। मैं दो केसेस के बारे में बताना चाहूँगा। एक है राजेंद्र सिंह, और उनके परिवार के लोग आए हुए हैं पूर्वी चंपारण से, और दूसरे वाल्मीकि यादव जो जमुई जिला के रहने वाले हैं, और उनके साथ ही धर्मेंद्र यादव की हत्या हुई थी। तो दोनों केस, अगर आप वाल्मीकि जी की केस को लें तो क्या कर रहे थे वाल्मीकि जी? अपने पंचायत में बिछवे करके नाम है पंचायत का, जमुई से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पंचायत में तमाम जो सरकारी विकास की योजनाएं हैं उसमें जो गड़बड़ियां चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, वहां के आंगनवाड़ी में जो नियुक्ति हुई थी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, उसको लेकर वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, जाँच की मांग कर रहे थे, और इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, भ्रष्टाचारी थे, वहाँ एक प्रमुख है जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष, उनका भी नाम आया है, वहाँ के मुखिया, वहाँ के आंगनवाड़ी सेविका जिनका पति जिनकी अवैध नियुक्ति हुई है, ये तमाम लोगों ने गैंगअप करके गांव के ही बाहर, और बहुत दबंगियत से, ऐसे छुप छुपा के नहीं, बल्कि करीब शाम के 6:30 बजे मेन सड़क से जो गाँव की तरफ सड़क आती है, लोगों के सामने मोटरसाइकिल से पहले उनको गिराया जाता है, फिर उनको गोली मारी जाती है, और फिर पत्थर से कूच कूच के मारा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं। ये भी रोचक है कि ये तमाम जो लोग हैं जिनकी हत्याएं हो रही हैं, वो बराबर सरकार को लिखते हैं कि हमारी हत्या की आशंका है, पुलिस के पास जाते हैं, उन पर झूठा FIR दर्ज होता है उल्टे। तो ये जो एक समस्या आ गई है, और सरकार जो पूरा तंत्र है वो इस बात पे लगा रहता है कि कैसे भ्रष्टाचार उजागर ना हो, कैसे जो उजागर कर रहे हैं लोग वो चुप हो जाए, ये बात। तो हमारी जो आज मांग है यहाँ पे वो है कि जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून जो 2014 में जो पास हुआ था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो हमारी आज एक ये भी मांग है कि वो कानून इमिडिएटली लागू किया जाए।